इंसाफ की मांग की एक और आवाज बिहार से भी उठी है। बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने मंजू वर्मा नाम की पूर्व मंत्री को उनकी पार्टी से फिर टिकट दी है। उन्हें उम्मीदवार बनाने को बेटियों से नाइंसाफी कहा जा रहा है, क्योंकि मंजू वर्मा का नाम बिहार के भयानक मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में भी आया, जब 34 नाबालिग लड़कियों ने अपने साथ गैंगरेप का इल्जाम लगाया था। इस मामले का मुजरिम ब्रजेश ठाकुर मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का करीबी कहा जाता था, जिसके चलते मंजू वर्मा को मंत्री पद भी छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब उन्हें फिर से पार्टी की टिकट मिल गई है। इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। नाम मंजू वर्मा, उम्र 51 साल, पेशा राजनीति, अनुभव 2 बार विधायक रही, बिहार में समाज कल्याण मंत्री रही, उपलब्धि नीतीश कैबिनेट में इकलौती महिला मंत्री रही। अब इन्हीं मंजू वर्मा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से अपनी पार्टी का टिकट दे दिया तो बिहार में सियासी हंगामा मच गया। मीडिया ने हेडलाइन बनाई। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस की आरोपी मंजू वर्मा को नीतीश कुमार ने दिया पार्टी का टिकट। फैक्चुअली तो ये बात गलत है। 2018 की मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में कभी भी मंजू वर्मा को सीधे तौर पर आरोपी नहीं बनाया गया। उन पर सवाल जरूर उठे। यह सच है कि इस केस में मंजू वर्मा के पति का नाम आया था और समाज कल्याण मंत्री होने के नाते मंजू वर्मा पर भी उंगलियां जरूर उठी थी। शेल्टर होम में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद मंजू वर्मा लापता हो गई। उन्हें कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ा और मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। ये भी सच है कि जब इस केस की जांच सीबीआई ने शुरू की तो मंजू वर्मा के घर पर छापेमारी की थी। सच ये भी है कि सीबीआई ने मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को गिरफ्तार भी किया था, मगर पॉलिटिक्स का पूरा खेल इस बात को लेकर होता है कि आप अपने कदम से मैसेज क्या देते हैं। और नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा को टिकट दिया तो पब्लिक में मैसेज ये गया कि वो बेटियों के शोषण करने वालों के साथ खड़े हैं, उन्हें पाल पोस रहे हैं। जो नीतीश कुमार महिलाओं की शिक्षा, उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो एक आरोपी महिला को टिकट देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास महिला उम्मीदवारों की इतनी कमी हो गई है कि मंजू वर्मा को टिकट देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मंजू वर्मा का मुजफ्फरपुर केस से डायरेक्ट कनेक्शन भले ना हो, मगर इस मामले का मुख्य मुजरिम ब्रजेश ठाकुर मंजू वर्मा के पति का करीबी रहा था। ये तो जनता के जेहन में सवाल है। जनता तो ये सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आखिर मंत्रिमंडल से बर्खास्त क्यों करना पड़ा था, क्यों ये जेल गई थी? भाई दाग, उनके दाग अच्छे हैं, हमारे दाग खराब हैं। मंजू वर्मा को जेडीयू का उम्मीदवार बनाने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसकी वजह भी समझिए। 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बालिका गृह की लड़कियों के साथ बलात्कार और गैंगरेप का केस सामने आया था। इस शेल्टर होम का संचालक ब्रजेश ठाकुर और वहां काम करने वाले कई और कर्मचारी इस मामले में दोषी पाए गए थे। शेल्टर होम की 34 लड़कियों ने आरोप लगाया था कि उनके साथ रेप हुआ। ब्रजेश ठाकुर और शेल्टर होम के कर्मचारियों पर इल्जाम लगा कि अपने यहाँ रह रही लड़कियों से सेक्स ट्रेड कराते थे। उन्हें नेताओं और अधिकारियों के यहाँ भेजा जाता था। सीबीआई की जांच के बाद ये केस दिल्ली की कोर्ट में चला था और कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। ब्रजेश ठाकुर और मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा दोस्त थे। आरोपों के छींटे चंद्रशेखर वर्मा तक भी पहुंचे, लेकिन सीबीआई ने उन्हें आरोपी नहीं बनाया। ये केस सामने आने के बाद मंजू वर्मा अंडरग्राउंड हो गई, क्योंकि एक तो वो समाज कल्याण मंत्री थी, दूसरे उनके पति का नाम मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ जोड़ा गया। कई दिनों की लुकाछिपी के बाद मंजू वर्मा ने बेगूसराय की अदालत में सरेंडर कर दिया। बाद में आर्म्स एक्ट के तहत मंजू वर्मा और उनके पति की गिरफ्तारी भी हुई। तब पब्लिक में अपनी बिगड़ती छवि देखकर नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा को मंत्रिमंडल से हटा दिया। पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नीतीश कुमार हमेशा परसेप्शन वाली पॉलिटिक्स करते रहे हैं। वो महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने का निश्चय करते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के इस बालिका गृह कांड के समय बिहार की समाज कल्याण मंत्री रही मंजू वर्मा को टिकट देने का उनका निश्चय एक अलग ही परसेप्शन बनाता है। सिर्फ
ये कहकर मंजू वर्मा का बचाव नहीं किया जा सकता कि शेल्टर होम कांड में वो डायरेक्ट आरोपी नहीं थी। एक मंत्री के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मंजू वर्मा के रोल पर सवाल उठते रहे। जिन मंजू वर्मा को नीतीश कुमार ने कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया, अब उन्हीं को टिकट दे दिया। बेटियों के शोषण के आरोप झेलने वाली मंजू वर्मा सिर्फ एक नेता नहीं, एक महिला भी। महिला के रूप में राज्य की बेटियों को इंसाफ दिलाने, उनकी आवाज उठाने की नैतिक जिम्मेदारी भी मंजू वर्मा की है। उनसे ज्यादा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, क्योंकि नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की आवाज लगातार उठाते रहे। उन्होंने अपने गवर्नेंस के लिए जिन 7 निश्चयों को आधार बनाया है, उनमें एक निश्चय महिलाओं को ताकतवर बनाने का भी है, और दूसरा महिलाओं के लिए सशक्त महिला, सक्षम महिला। 10 लाख रुपए तक की मदद, 5 लाख रुपए का ग्रांट देंगे उनको, और 5 लाख रुपया उनको ऋण देंगे, और किसी प्रकार का उसमें टैक्स नहीं। उच्चतर शिक्षा है तो प्रेरित करने के लिए। अब आप जानते हैं कि हमने महिलाओं के लिए किया है, ताकि भाई महिला हो, लड़की पैदा हो तो लोग खुश हो। कोई भी लड़की इंटर कर लेगी तो उसको 25,000 रुपया देंगे आगे के, और अगर ग्रेजुएशन कर लेगी तो 50,000 रुपया देंगे हर महिला के, हर लड़की के। जो निश्चय मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो मंजू वर्मा को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। नैतिकता और शुचिता की पॉलिटिक्स तो यही डिमांड करती है। बेटियों के शोषण में भले ही मंजू वर्मा का नाम डायरेक्ट ना आया हो, लेकिन ये तो बस कानूनी पर्देदारी है। अगर बेटियों को सशक्त बनाने का नीतीश का निश्चय पक्का है, तो मंजू वर्मा को फिर से उम्मीदवार बनाना मॉरल पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जेडीयू के पास अपने बचाव में तर्क है, वही तर्क विरोधियों पर उंगली उठाने वाला। देखिए, मंजू वर्मा जी बालिका गृह कांड में उस वक्त प्रभारी मंत्री थी समाज कल्याण की। हमने बकायदा उनका इस्तीफा लिया, उनके ऊपर रेड भी हुई, उनके घर में शायद कोई अवैध आर्म्स वगैरह कुछ पकड़ाया था, उसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। माननीय न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। अन्य चार्जेस में वो जमानत पे हैं, बाकी उनकी चार्जेस चल रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब कोई उन पर कोई आरोप है ही नहीं, तो उनको टिकट देने में हर्ज क्या है भाई? क्या महिला को सिर्फ इसलिए छाट दें क्योंकि महिला पे प्रश्न हो गया है टिकट के लेके? लेकिन वो समाज कल्याण मंत्री थी, और उनकी नाक के नीचे ये सारा कुछ हुआ, उनके मंत्री रहते हुआ, और उनके घर पर फिर छापेमारी क्यों हुई? अगर उनकी लापरवाही थी समाज कल्याण मंत्री रहते हुए, तो इसी के कारण उनके मंत्री पद गया उनसे। छापेमारी हुई क्योंकि वो जांच के प्रक्रिया में जितनी चीज़ें चल रही थी उसके कारण छापेमारी हुई। उसमें अवैध शस्त्र शायद कुछ पकड़ाया था, जिसमें वो बरी हो गई हैं। तो जब कोई चार्ज उन पे बनता नहीं है, तो उनको टिकट देने में क्या हर्ज है, आप बताइए? राजनीति एक ऐसा हमाम है जहाँ किसी के तन पर कपड़ा नहीं होता। अगर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण को जरूरी बताते हुए एक आरोपी को टिकट दिया, तो विरोधियों के दामन भी दागदार हैं। RJD ने बलात्कार के आरोपियों की बीवियों को टिकट दिए हैं। ऐसे में अगर हम ये सोचें कि नीतीश कुमार ने बिहार की बेटियों के साथ नाइंसाफी की और महागठबंधन सत्ता में आया तो उन्हें न्याय दिलाएगा, ये उम्मीद करना बेमानी है। नीतीश चंद्र, इंडिया TV, मुजफ्फरपुर।